भारतीय रेलवे हर समय है गतिमान, क्योंकि इसके कांधे पर है आपकी उम्मीदें, आपके सपने और आपको शीघ्र और सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाने की चाह। तभी तो रेलवे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को करती रहती है लगातार मजबूत और लाती है नए नए बदलाव। जहां पिछले 6 सालों में रेलवे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में हासिल की हैं कई उपलब्धियां, और इन्हीं उपलब्धियों में से एक है मेक इन इंडिया के तहत मधेपुरा में स्थित इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री, जहां बना था 12,000 हॉर्स पावर का पहला मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक इंजन। अब यहां 24,000 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश से बनाए जाएंगे 800 इलेक्ट्रिक लोको, जो बढ़ाएगा रेल की परिवहन क्षमता। बिहार में कनेक्टिविटी को सुगम बनाने की दिशा में पटना और मुंगेर में बना रेल सह सड़क महासेतु 6,000 करोड़ रुपए की लागत से बने। इन दोनों महासेतु ने उत्तर और दक्षिण बिहार तक के आवागमन को किया है आसान। कनेक्टिविटी को बढ़ाने की दिशा में ही देहरी ऑन सोन और सोन नगर के बीच 3 रेल ट्रैक वाले पुल ने भी निभाई है महत्वपूर्ण भूमिका। जहां 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मिशन रफ्तार के तहत दिल्ली और कोलकाता के बीच चल रही हैं रेलगाड़ियां। विद्युतीकरण में रेलवे ने बिहार में अब तक कुल 3,318 किलोमीटर रेल मार्ग के 90% हिस्से का काम पूरा हुआ। रेलवे ने पिछले 6 सालों में 9,000 करोड़ रुपए के निवेश से बिहार में नई लाइन तथा आमान परिवर्तन का व्यापक स्तर पर किया है काम। 1,150 करोड़ रुपए लागत वाले 23 रोड ओवर ब्रिज का निर्माण भी हुआ है पूरा। भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण से आज बिहार में स्टेशनों की बदली है सूरत। अब यहाँ एयरपोर्ट की तरह हुई है प्रकाश व्यवस्था, क्विक वाटरिंग सिस्टम, वातानुकूलित प्रतीक्षालय। बिहार में तरक्की के कदम को बढ़ाती रेल कनेक्टिविटी जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय होगी। इसके लिए जयनगर को जोड़ा गया है जनकपुर से। रक्सौल से काठमांडू तक रेल लाइन का भी जल्द शुरू होगा निर्माण। लोक संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण ट्रेनों के बाहरी भाग पर लगाई गई मिथिला पेंटिंग ने स्थानीय कला को दी अंतरराष्ट्रीय पहचान। लगभग 300 किलोमीटर का ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर बिहार से होकर गुजरेगा, जो इस क्षेत्र में लाएगा बड़ा निवेश। बिहार बढ़े, तरक्की के नए आसमान को छुए, इसलिए कई कार्य प्रगति पर भी हैं, जिसमें 1000 किलोमीटर के लगभग नई लाइन, गया और सोनपुर में 250 करोड़ रुपए की लागत से मेमू कार शेड, भागलपुर में गंगा नदी के ऊपर नया रेल पुल, मोकामा बरौनी के मध्य दोहरी लाइन के नए रेल पुल का निर्माण शामिल है। अपने कई प्रोजेक्ट्स के माध्यम से रेलवे ने बिहार में खोले हैं रोजगार के अनेकों द्वार। आपकी हर यात्रा हो शुभ यात्रा, इसलिए रेलवे ने 6 सालों में बिहार में कई असंभव से दिखने वाले कामों को संभव बनाकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अपने मजबूत कदम बढ़ा दिए हैं। जय हिंद।